तो बाबू जो है अपने नानी घर आया हुआ है, वहाँ पे नानी घर है लेकिन वहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो क्या कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं? पापा गर्मी लग रही है, बोलो। कोई नहीं, अंदर में एसी है। ड्राइविंग लाइसेंस इसी में क्या? दूसरे में। अब बारी है जी यहाँ से निकलने की, तो बाबू का जो है यहाँ भी ले लेते हैं गर्म पानी। अच्छा, अब इसको गर्मी लग रही होगी लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में गर्मी खत्म हो जाएगी। बैग रख लिया अंदर, बैग, कंबल, झोला सब रख लिया। बोतल ले ली हाथ में, डब्बा ले लिया, दूध वाला दे ना, डब्बा दे दो, ले लिया। कुकड़ी चलती है। चलो चलो अंदर। One hour later. तो जी अभी बीच रास्ते में रुक गए और यहाँ पर मैं जिया की मम्मी को ले लिया है। उनको भी लेकर के चल रहे हैं। तो बाबू जो है अपने नानी घर आया हुआ है, वहाँ पे नानी घर है लेकिन वहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो क्या कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, बताएंगे कुछ देर बाद। तो बाबू जो है नानी माँ को लगता है भूल चुका है। कोई नहीं, कुछ देर में फिर याद आ जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा भागलपुर। रिया के हम लोग रूम पर रुकेंगे और कल काम रहेगा, बाकी अभी पहले चलते हैं रूम पर और देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, पूरा पानी जमा हुआ है। One hour later. तो फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं रिया के यहाँ और अभी जो है पहरा धो करके थोड़ा सा फ्रेश हुए, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जर्नी जो है लंबा हो गया, बीच में जिया की मम्मी को भी लेने जाना पड़ा हमें, क्योंकि क्या हो गया कि जिया की मम्मी को जहाँ से आना था वहाँ पर बारिश होने लगी थी काफी तेज और कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था, तो उनको भी साथ आना था। और बात क्या है कि हम लोग जाएंगे कॉलेज जिया के, तो एडमिट कार्ड लेना है उसके एग्जाम का, तो कोई एक लोग साथ में रहेगा तो बाबू को वहाँ पकड़ भी लेगा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बाबू को इसे संभालना, मतलब दो लोग अपना काम कर रहे हो और उसी बीच में बाबू का अपना शोर मचाना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, तो इसीलिए जिया की मम्मी से रिक्वेस्ट किया, वो आ गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है मोमोज पार्टी, खाइए आप लोग। कोई नहीं, हम लोग पहले से खा करके आए हुए हैं और जिया जो है एकदम तुरंत फ्राइड मोमोज। ये भी नहीं कि मोमोज खाना है, जल्दी से खा के निकल ले, फ्राइड मोमोज खाना था। रिया खाओ, दो पकड़ते हैं बाबू को, दो लोग हैं पकड़ने के लिए। अच्छा। The next day. अबे हमारा चाय आ चुका है और इधर बगली में डुबकी लगा लेंगे, ठीक है बेटू को जाना है, गंगा जी जाना है, चुपके चलेंगे घूमू करने। अब पूजा करने भी जाना है ना बाबू को, जाना है ना, तुमको लुको ना, तुमको लुको ना, बुलाना लगाएंगे, गंगा जी में घुमाएंगे, नाना जी को पकड़वा देंगे हम लोग, पूजा करेंगे और गंगा जी में घुमाएंगे तुमको, नाना जी पकड़ के तुमको बैठे रहेंगे बाहर में, गंगा जी में घुमाएंगे तुमको, गंगा जी जाना भी है, गंगा जी भी स्विमिंग पूल बन रहा है, जब तुम
बनेगा ना। देखो स्विमिंग पूल देखो। तू बिंदी लगा लिया है, नानू देवघर से बिंदी लाए थे, बेटू लगा लिया है ना बेटू, सबसे पहले लगाया बेटू। हाँ लड़की बना दी ठीक है। जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि सभी लोग जो है बाबू को खिला रहे थे, जी हाँ, और वहाँ जो खिलाने का कार्यक्रम है अभी नहीं रुका है। बाबू यहाँ पर मुश्किल से सोता है 2 मिनट के लिए, और कोई ना कोई मिल जाता ही है उसे खेलने के लिए। तो यहाँ पर बाबू है देख सकते हैं अपने नाना जी के साथ, अभी तक दोस्ती नहीं हुई थी, अब दोस्ती हो गई है। चाय बन रहा है यहाँ पर, ले लीजिए गर्म पानी। तो यह है जी जिया का स्टडी रूम, बेडरूम कह सकते हैं दोनों सब कुछ। यहाँ जी अपना जो पूजा का भी पूरा व्यवस्था की है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और बाकी जो बुआ जी है, नन्ही बुआ जी का भी रूम दिखाते हैं, उनके यहाँ भी एक जो है पूजा का अच्छा खासा जुगाड़ लगा लिया गया है, एक अच्छा सा मंदिर सेट कर लिया गया है। तो देख सकते हैं जी यहाँ पर एक जो है मंदिर सेट कर लिया गया है पूजा करने के लिए। क्या हुआ तुमको मजा आ रहा है तुमको? मजा आ रहा है, जैसे ये झूला रुकेगा फिर रोना शुरू करेगा। इसको मजा आ रहा है। कुछ देर में सायरन बजेगा। तो फिर सभी चल रहे हैं जी अब यहाँ से सुल्तानगंज। सभी ने मिलकर डिसाइड किया है कि गंगा स्नान करना है, और वहाँ चलेंगे सुल्तानगंज के घाट पर, और वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर भी है, वहाँ भी चल करके सभी लोग दर्शन करेंगे। पहले सभी लोग सोच रहे थे कि यहीं पर भागलपुर का जो गंगा घाट है वहीं पर नहा लेंगे, लेकिन सोचा कि चलिए सुल्तानगंज ही चले जाते हैं, और थोड़ा सा जो ट्रिप भी हो जाएगा और वहाँ पर बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो सभी लोग अब तैयार हैं जी, तब निकला जाए यहाँ से। तो यहाँ पर बोतल का जुगाड़ किया जा रहा है जिसमें गंगा जल भरा जाएगा, जुगाड़ अच्छा खासा। तो फाइनली जी गाड़ी निकाल ली है, सभी लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से अब सीधा निकलेंगे सुल्तानगंज। रोड तो हमें ध्यान नहीं, यहाँ पर बाकी लोग हैं जिनको रोड का पता है, और यहाँ का हमेशा जगह वही रहता है जहाँ भी बैठ रही है। अच्छा क्या कहते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती है उसे पूछिए तो। कौन सी क्लास में पढ़ती है? पार्ट टू में है ये, और इसका स्थान है गोद में अभी। हम लोग ये सुल्तानगंज कर चुके हैं एंटर, और यहाँ पर कहाँ पर गाड़ी को पार्क किया जाए वो देखा जा रहा है। वैसे जो रास्ता था जहाँ पर नजदीकी पार्किंग था वहाँ पर पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। खोलो वो लॉक खोलो ना, यही पार्किंग में गाड़ी लगाना पड़ेगा। कहाँ है पार्किंग? ठीक है लगा लेते हैं। हम लोग पहुँच गए जी सुल्तानगंज, यहाँ पर एक पार्किंग स्पेस मिल गया है, और यहाँ पर क्रियांश को देख सकते हैं क्या मजे में है। लगा दिया गया है, कुमारी बन गया है ये। सब कुछ बन के ट्राई करना चाहिए, इसको अब फ्लॉग बना दे। वही बाकी रह गया बस। चलो जल्दी से अब निकला जाए। गंगा जल भरने के लिए जी हमने ले लिया है, ये कटिहार भी ले जाइए। हाँ। ठीक है, दो लेके जाएगी कटिहार। तो गंगा जल के लिए यह ले लिया जी गैलन, और चलते हैं। जहाँ पर गाड़ी को पार्किंग में लगाया था जी वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी है, और सभी चल रहे हैं पैदल। तो रिया मजा आ रहा है? अच्छा। वैसे रिया जो पैदल चलने में थोड़ी माहिर है, जब हम लोग गए थे मंदार पर्वत ये लगभग 20-25 मिनट पहले ही पहुँच गई थी एकदम ऊपर। पूछ रही है। अच्छा वाह। जिया जा रही है सबसे पीछे पीछे। पैदल चलने में जिया का हमेशा हालत खराब रहता है, और आज भी वही हाल है। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी घाट के करीब, वरना फिसलने ठीक से। घाट के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं जी, और वहां पर गाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा घाट होगा जहां पर भीड़ थोड़ी कम हो और अच्छे से हम लोग नहा सके, क्योंकि इस समय जी भीड़ तो है अच्छा खासा।
और यहाँ पर जो है मतलब कई बार आए हुए हैं यहाँ पर हमारे जो शुभम चाय है, तो वही सजेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ जाया जाए, उन्हीं को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ है जी सुल्तानगंज, जिनको भी इनके बारे में नहीं पता तो बता दें, जब भी सभी लोग देवघर जाते हैं जहाँ पर शिव का मंदिर है, और सावन के महीने में ज़्यादातर जाते हैं सभी श्रद्धालु वहाँ पर। और देवघर जाने से पहले लोग गंगाजल भरते हैं, गंगाजल को भरने के लिए इसी जगह आते हैं इस सुल्तानगंज में, और यहाँ से गंगाजल लेकर के और वहाँ पर शिव की नगरी में जा करके चढ़ाते हैं। तो हम लोग तो आज देवघर नहीं जा पाएंगे, समय नहीं है हमारे पास पैदल जाने का, ऐसा कोई इतनी अच्छे से जा रही है। कोई नहीं, एक बार चलना है देवघर भी हम लोग को, लेकिन अभी कुछ मन्नत है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, और जब वहाँ पूरा हो जाएगा फिर हम लोग जरूर जाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, जल भरते हैं। ऐसा नज़ारा है जी यहाँ के घाट का, देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है, क्या खूबसूरत सा नज़ारा है।